कीर्ति परोहा, कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन का अध्ययन करते आ रहे हैं, और वहाँ पर हमने फर्टिलाइजेशन और उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट समझा था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पुष्पीय पौधों में बीज और फल का निर्माण किस प्रकार होता है। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे कई प्रकार के बीज और कई प्रकार के फल दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें से कौन से फल सत्य हैं, कौन से आभासी फल हैं, कैसे बीजों का निर्माण होता है, भ्रूण कहाँ स्थित होता है, किस प्रकार जर्मिनेशन होता है, और एक पुष्पी पौधे का जीवन चक्र किस प्रकार होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे बीज। बीज यानी सीड। जब दोहरा निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो उसके बाद में जो नर युग्मक अंड कोशिका के साथ क्या करता है, संयोजन करता है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बना रही हूँ, आप सबको बहुत अच्छे से याद है ये माइक्रोस्पोरिन कि यहाँ की जो एंटीपोडल सेल रहती है वो कैसी हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ये हम सबको बहुत अच्छे से मालूम है, विलुप्त अवस्था में हो जाती है, और दो सिनर्जिक सेल भी क्या हो जाती है, वो डिजनरेट हो जाती है। बचा हुआ जो अंड कोशिका रहती है, ये अंड कोशिका ये नर युग्मक के साथ क्या करती है, फर्टिलाइज करती है, डिप्लॉयड स्टेज यानी 2n स्टेज बनाती है। यही वाला जो पोर्शन है ये जा करके बीज का निर्माण करता है। और यहाँ पर जो दो ध्रुवी कोशिकाएं रहती हैं वो भी एक नर युग्मक के साथ अटैच होती हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करती हैं, युग्मन की क्रिया करती हैं और 3n स्टेज बनाती हैं, और ये निर्माण करती हैं भ्रूण पोष का। ये जो भ्रूण पोष है ये बीज के लिए पोषण देने का काम करता है, एम्ब्रियो को पोषण देने का काम करता है। ये भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण ही आगे जाकर के बीज बनाता है। ये वाली क्लियर हो गई अपने की। तो ये जो भ्रूण है ये बीज का ही रूप है। एक बीज में पूरा पौधा समाहित होता है, पूरा प्लांट, क्योंकि जब वो बीज बन जाता है एम्ब्रियो उसमें स्टेबल हो जाता है, वही एम्ब्रियो जाके पूरे प्लांट को जन्म देता है। तो बीज में पूरा पौधा समाहित होता है, या हम कहें ये राइपेंड ओव्यूल की स्ट्रक्चर अवस्था कहलाती है। अब हम देखें तो बीज पत्रों की संख्या के आधार पर बीज दो प्रकार के हैं, पहला है एक बीज पत्री और दूसरा है द्विबीज पत्री बीज। अब देखते हैं इनको हम डायग्राम रचना। इसके ऊपर की जो लेयरिंग दिखाई दे रही है ये कहलाती है बीज आवरण। ये जो बीज आवरण है ये बीज को सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी आघातों से, प्रतिकूल परिस्थितियों से। इसमें एक छिद्र होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, जिससे ऑक्सीजन और गैसों का एक्सचेंज होता रहता है, और इसी के माध्यम से वो जर्मिनेशन की कंडीशन में आकर के पानी को सोख करके फूल जाता है और जर्मिनेशन की प्रोसेस उसमें स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ये पोर्शन आप देख रहे हैं भ्रूण का, और यहाँ पर बीज पत्रों के रूप में इसमें भोजन संग्रह होता है। ये भोजन संग्रह क्यों होता है, ताकि वो जर्मिनेटिंग सीड को या जो सीडलिंग्स है और पौधे को क्या करता है, उस समय भोजन प्रदान करता है जब तक कि उसमें पत्तियों का निर्माण शुरू नहीं हो जाता। तो ये था बीज की संरचना। अब हम देखेंगे एक बीज पत्री बीज की संरचना और द्विबीज पत्री बीज की संरचना। इसको हमने कंपेरेटिव रखा है बच्चों, जिससे आपको सिर्फ देखने बस से इनके बीच का अंतर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भ्रूण कोश की, तो जिन बीज एक बीज पत्री जो होते हैं उनमें भ्रूण कोश पूरा खत्म नहीं होता है, वो स्थिर रहता है और मौजूद रहता है। यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये भ्रूण कोश यहाँ से यहाँ तक कैसा है, मौजूद है। ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। अब जो बीजपत्र वाला भाग होता है एक बीजपत्री पौधों में, उसको स्कूटेलम कहते हैं, अर्थात उसके बीजपत्र को स्कूटेलम कहा जाता है। उसमें ही एम्ब्रियो स्थित या भ्रूण स्थित होता है। अगर भ्रूण पोष उपस्थित है तो उस पौधे के बीज को कहते हैं एल्बुमिनस बीज। उस बीज को क्या कहेंगे हम, एल्ब्यूमिनस बीज, अर्थात भ्रूण पोषी बीज कहा जाएगा। अब अगर हम बात करें द्विबीजपत्री की,
सिम्पल है सीड कोट, उसमें भी है, उसमें भी एम्ब्रियो है, लेकिन इसमें बीज पत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, यहाँ पर बीज पत्रों की संख्या दो रहती है, और मोनोकॉट या एक बीज पत्री में बीज पत्रों की संख्या एक मौजूद होती है। ये सबसे बड़ा अंतर है। दूसरा अंतर हम ये देख सकते हैं कि इसमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है, और इसमें जो भ्रूणपोष है वो बीज पत्रों द्वारा पूरा ग्रहण कर लिया जाता है, उसमें भ्रूणपोष अनुपस्थित रहता है, इसलिए इसको गैर एल्बुमिनस बीज भी कहा जाता है। एक बार फिर से देख लें कि बीज की संरचना बीज आवरण या सीड कोट पाया जाता है, एम्ब्रियो होता है, और भोजन संग्रह हेतु बीज पत्रों की उपस्थिति होती है। एक बीज पत्री में एक बीज पत्र होता है, इसके बीज पत्र को स्कूटेलम कहा जाता है, और इसमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है। भ्रूणपोष की उपस्थिति के कारण इसको एल्बुमिनस बीज कहा जाता है। द्विबीजपत्री में अगर हम देखें तो बीज पत्रों की संख्या दो होती है, और इसमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, इसलिए इसको गैर एल्बुमिनस सीड कहा जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों। अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो देखें हम, तो एक बीज पत्री जब अनुकूल अवस्थाएं आती हैं, उचित ताप दाब नमी और के कारण बीज क्या होता है, अंकुरित होता है, तो इसमें एक बीज पत्री बीजों में बीज नीचे रहता है जमीन के नीचे, और ऊपर शूट सिस्टम और नीचे रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है। ये एक बीज पत्री के लिए है। इसके विपरीत द्विबीज पत्री में क्या होता है कि जैसे ही सीड जर्मिनेट होता है, इसके जो बीज पत्र हैं वो पृथ्वी में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जमीन में नहीं रहते, जमीन से ऊपर बढ़ते हैं और शूट सिस्टम डेवलप करने में मदद करते हैं। जब तक इसमें पत्तियां नहीं आ जाती, पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक ये जो बीज पत्र है पौधे को पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान करता है, तो इसको कहते हैं सीड जर्मिनेशन। ऐसा नहीं होता कि पौधे में बीज का निर्माण हुआ और बीज के निर्माण के तुरंत बाद ही वो एक नए पौधे को जन्म दे दे। जब उचित परिस्थितियां आती हैं तभी वो एक नए पौधे को जन्म देता है। इसके पूर्व जो बीज है वो प्रसुप्ति अवस्था में रहता है, मतलब जर्मिनेशन के पूर्व जो बीज हैं वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। तो बीज की जो निष्क्रिय अवस्था रहती है उसे ही बीज प्रसुप्ति कहा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, पूछ सकते हैं बीज प्रसुप्ति क्या है, तो जब बीज निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है उस अवस्था को बीज प्रसुप्ति कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि बीज प्रसुप्ति में बीज में पूरे गुण मौजूद रहते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें प्रसुप्ति अवस्था अनेकों वर्षों तक देखी गई है। उसका उदाहरण है एक पौधा है, ये आपको वन मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है बच्चों, ल्यूपिनस आर्कटिकस। फिर से रिवाइज करती हूँ, ल्यूपिनस आर्कटिकस जो है वो बीज की प्रसुप्ति अवस्था 10,000 वर्षों तक रही है, ये रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद उसमें जर्मिनेशन हुआ था, एक अकेले ने कई बीजों में। इसके बाद एक और पौधा है जिसका नाम है फोएनिक्स डैक्टिलिफेरा। फोएनिक्स डैक्टिलिफेरा का बीज प्रसुप्ति अवस्था 2000 वर्ष रिकॉर्ड की गई है, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पर जैसे कि पौधे में बीज बनना चालू होता है, ठीक उसी प्रकार से ही उसमें फल का निर्माण भी होना साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं होता कि बीज पहले बन जाए और फल बाद में, दोनों की ही जो विकास है वो साथ साथ चलता रहता है। बच्चों हमने ये देखा कि जो मेगा स्पोरेंजियम या जो ओव्यूल है उसमें किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, ये हमने सबने अच्छे से देखा। लेकिन जो ओवरी वाला पार्ट है, अगर आपको उसका डायग्राम याद है, तो जो ओवरी या अंडाशय वाला पार्ट है वो फूल करके क्या हो जाता है, उसमें भोजन संचय होता है बहुत सारा, तो उसके कारण वो फूल करके एक फल की आकृति बना लेता है। तो ऐसे पौधे, ऐसे फल जो केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, बहुत ध्यान दीजिए मेरी इसकी परिभाषा बन रही है कि ऐसे फल जो केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, उन फलों को कहा जाता है सत्य फल या ट्रू फ्रूट कहा जाता है। यही सत्य फल होते हैं जो अंडाशय से विकसित होते हैं। इसका उदाहरण है जैसे ग्रेप यानी अंगूर, यहाँ आप देख रहे हो इसमें फल भित्ति दी हुई है, और ये पूरा फ्रूट, ये पूरा ओवरी वाला पोर्शन है, और यहाँ पर बीज भी बने हुए हैं, यहाँ बीज का निर्माण, तो बीज का निर्माण और फल का निर्माण साथ साथ होता रहता है।
कुछ फल ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सेब की या एप्पल की, तो सेब की अगर हम बात करें तो इसमें जो पुष्पाशन वाला भाग रहता है, कौन सा भाग? पुष्पाशन वाला जो भाग रहता है वो फूल करके फल का निर्माण करता है। ऐसे फल जिसमें अंडाशय के अतिरिक्त एवं अन्य पुष्पी अंग भी क्या करते हैं? भाग लेते हैं पुष्प के निर्माण में, उसको हम आभासी फल या असत्य फल कहते हैं। इसमें पुष्प क्रम, जैसे अगर हम देखें अनानास वगैरह में, कटहल वगैरह में, पुष्प क्रम ही फल का निर्माण करता है। और भी चीजों में देखें, शरीफा वगैरह में, तो उसमें भी इस प्रकार से अनेक वर्तिकाग्र मिलकर के निर्माण, तो मतलब पौधे की वर्तिकाग्र, दल पत्र, बाह्य दल, पुष्पाशन, माने अंडाशय एवं अंडाशय के अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलकर के किसका निर्माण करती है? फल का निर्माण करती है। ऐसे फलों को आभासी फल कहा जाता है। वैसे तो फलों के प्रकार और उनका वर्णन बहुत अलग है, इसको मैं एक वीडियो में अलग से आपको पूरा डिटेल समझाऊंगी। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार एक पौधा, जो अभी हमने पढ़ा पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन, उसको हम पुष्पी पौधों के जीवन चक्र में समझेंगे कि पहले पौधा सीड जर्मिनेशन हुआ, उससे पौधा बना, पौधा बनने के बाद में उसमें पुष्पी लैंगिक प्रजनन अंग आया अर्थात फ्लावर उत्पन्न हुआ, फ्लावर में स्टेमन अर्थात परागकण का निर्माण हुआ मियोसिस के द्वारा, तो ये परागकण यानी पोलन ग्रेन बन गए। ठीक इसी प्रकार जायांग से ओवरी का निर्माण, ओव्यूल का निर्माण हुआ, और मियोसिस से इसमें एक सेल डेवलप हुई, अंड निर्माण हुआ। अब ये सब ओव्यूल में इसका क्या हुआ? पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन होने के बाद जर्म ट्यूब निर्माण हुई और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, जो कि हम पढ़ चुके हैं। फिर ये फर्टिलाइज एग जो है बाद में जाकर के बीजाणु का निर्माण की, सॉरी सीड का निर्माण की, और यहाँ पर बीज का निर्माण हुआ। ये बीज पुनः फिर से आगे जाकर के जर्मिनेट होगा और फिर से एक नया पौधा, और ऑनवर्ड्स इसी प्रकार से सारे चक्र इसके चलते जाएंगे। तो ये था हमारा पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन का विधि और उसका वर्णन। अगले वीडियो में हम मानव प्रजनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।